ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी मिठाई, सर्दियों की मिठाई जो हमने बिना घी के, बिना मावे के, बिना गैस को ऑन किए बनाई है। ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिठाई है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने इसके लिए एक कटोरी तिल ले लिए हैं और इसी कटोरी के नाप से मैंने ये गुड़ ले लिया है, एक कटोरी गुड़ है ये भी, और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। सॉफ्ट हो तो आप हाथ से भी इसको क्रम्बल कर सकते हैं। तो पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। ये हम तिल को बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें इसको इतना रोस्ट करना है कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए और इसका अच्छा सा एक अरोमा आने लग जाए। बिल्कुल हमें इसको काला नहीं करना, एकदम डार्क कलर नहीं करना, हल्का कलर चेंज करना है हमें इसका। और ध्यान रखें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लें। ये अब पॉप होने लग गए हैं, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं पॉप होने की। तो बस अब ये अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये अब ठंडे हो गए हैं, ये देखिए हम इनको आराम से छू सकते हैं। तो अब मैं इनको एक मिक्सी जार में निकालूंगी। ध्यान रखें मिक्सी जार एकदम सूखा होना चाहिए। तो मैं इस मिक्सी जार में इसको डाल दूंगी। मैंने इनको मिक्सी जार में निकाल लिया है और अब इनको कोर्सली चलाते हुए पीसेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए नहीं पीसेंगे। इसको थोड़ा चलाएंगे फिर बंद करेंगे, ऐसे करके कोर्सली चलाते हुए इसको एकदम महीन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखें ऐसा हल्का दरदरा पाउडर चाहिए हमें इसका। अब मैं इसमें ये गुड़ मिला लूँगी, जो एक कटोरी गुड़ इसके नाप का लिया था वो भी इसमें मिला लूँगी। अब इसको हम एक बार वापस चंग कर लेंगे। ये देखिए ये एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं गुड़ और तिल। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा लेंगे इसको हाथ में ऐसे प्रेस करते हुए, ये आसानी से लड्डू बन जाएंगे इसके। हमें इसमें कुछ भी घी या कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तिल में खुद में तेल होता है। तो ये तिल अपना ऑयल रिलीज कर देगा इसमें पीसने के बाद और गुड़ भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छा सा गोल शेप दे देंगे हम। अब ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बनके तैयार हुआ है। तो अब ये हमारे तिल गुड़ के लड्डू रेडी है। इनको आप खाना खाने के बाद एक लड्डू खाइए और सारी बीमारियों से निजात पाइए। और इनको आप नवंबर से लेके मार्च तक ही खाएं, ये ध्यान रखें। तो आप भी ऐसे इजी वे में तिल गुड़ के लड्डू घर में बनाइए और पूरी सर्दियों को इंजॉय कीजिए। थैंक यू।